वसुदेवसुत कंसचाणूर्मर्दनम देवकी परमांदम कृष्ण वंदे जगद्गु काोषोपहत स्वभा पृछा तां धर्म संमूढ़चेता ब्रूहि ब्रूहित शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत्क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः प्रपन्न पारिजातायत्रैक ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः बोलिए गीता, गीता की जय सच्चिदानंद भगवान की जय राम प्रभु की कृपा का एक बार फिर से संयोग बना और हम सब आज फिर से इस सत्संग में उपस्थित हैं उसके लिए परमात्मा की अहेतु की कृपा का अनंत कोटि धन्यवाद आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन आजकल श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से कुछ स्वाध्याय चर्चा हमारी चल रही है उस क्रम में 18वें प्रकरण में कोई सैतालीस श्लोक हम कर चुके हैं छियालीस श्लोक हो चुके हैं तो उसके आगे का क्रम लेंगे भगवान की कृपा का संयोग दोबारा से हुआ है कहते हैं कि आज फिर से छाए हैं बादल उसकी रहमत के आज फिर से छाए हैं बादल उसकी रहमत के किस्मत में भीगना लिखा है कि तरसना ये तो खुदा जाने। श्लोक खुद सिक्स में क्या कहा था कि दृष्टवा तूषणी विषय दंतिना तूषणी विषय दंतिन पलायनते न शक्तास्ते सेवंते कृत चाटव इससे पहले कहा गया था कि जब जो कच्चा साधक होता है अभी वो जैसे ही विषयों को अपनी तरफ आते हुए देखता है उसको लगता है विषय रूपी व्याघ्र मेरी तरफ आ रहे हैं तो उनसे बचने के लिए वो या तो अपनी साधना की गुफा में छुप जाता है अर्थात ध्यान आदि करने लगता है और यह वहां से भाग जाता है यहाँ उल्टा है कि जो ज्ञानी होता है ना जो जिसका कर्तापन समाप्त हो गया है और जो उस अवस्था में पहुंचा हुआ है जिस अवस्था की बात पिछले कई श्लोकों में लगातार चल रही है तो इस जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा हुआ जो ज्ञानी है वो खुद शेर जैसा हो जाता है और उसके सामने विषय रूपी हाथी एकदम से चुप होके पलायन कर जाते हैं चुप होके भाग जाते हैं अर्थात उसको वो डराते नहीं आकर्षित नहीं करते उनसे उसका कोई राजेश का संबंध नहीं बनता बल्कि उल्टे वो चाटुकारों की तरह से उसकी सेवा में आ जाते हैं अर्थात विषय भोग मिलते रहते हैं लेकिन वो उसकी बस सेवा करते रहते हैं वो उनसे कोई इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है जिसमें ना वो किसी से डर के भाग रहा है ना वो किसी से राग द्वेश, राग कर रहा है ना किसी से द्वेष कर रहा है उसकी नजर में ये ग्रहण करना चाहिए ये त्याग करना चाहिए इस तरह की भावनाएं समाप्त हो गई है ऐसी बात कई बार पीछे कही जा चुकी है तो एक उदासीनता रहती है उदासीनता का मतलब ये होता है कि बिल्कुल निर्लिप्त भाव से वो सबका साक्षी बना रहता है उस अवस्था की बात है श्लोक नंबर फोर्टी सिक्स इसके आगे बिल उसी क्रम में फिर आगे बात चलाएंगे इसमें बार बार कंपेयर करते चलेंगे कि देखिए जो अज्ञानी होता है तो उसके साथ क्या हो रहा है और जो ज्ञानी होता है उसके साथ क्या हो रहा है अज्ञानी का मतलब ये नहीं है कि उसकी भजन में रुचि नहीं है या साधन में रुचि नहीं है अज्ञानी का मतलब ये है कि वो साधन करना भी चाहता है करता भी है कोशिश भी बहुत करता है लेकिन अपने देहाभिमान को छोड़ नहीं पा रहा अर्थात मैं शरीर हूं इस भाव से बाहर नहीं आ पा रहा जब उसकी पहचान की बात होती है तो उसको लगता है कि यही मेरी पहचान है ये मेरा शरीर ही मेरी पहचान है ये शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर दोनों तीनों ही हो सकते हैं तो उसको लगता है कि यही मेरी पहचान है और वो फिर करतापन और भोक्तापन के कारण सुखी और दुखी होता रहता है भजन भी करता है जितनी देर भजन करता है उतनी देर तो शांत हो जाता है लेकिन जैसे ही वापिस आता है तो फिर वापिस उसको वही सब कुछ घेर लेता है तो यहाँ पे दिखेगा कितना सुंदर है और जो धीर पुरुष जिसको बार बार यहाँ धीर पुरुष कहा गया ज्ञानी कहा गया जीवन मुक्त कहा गया वो पुरुष वो वो साधक ऐसा होता है कि उसको फिर अब साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके द्वारा साधन होता रहता है उसको भजन करना नहीं पड़ता भजन होता रहता है होता रहता है का क्या मतलब हुआ कि क्योंकि उसको पूरा निश्चय हो गया उसको पूरा ये चीज, चीज से उसको उसको उसने रियलाइज कर लिया कि वो करता नहीं है वो शरीर नहीं है वो करता नहीं है तो इसलिए वो भोगता भी नहीं होता ये चीज जब गहरे से अंदर उतर जाती है उसके भाव में पक्की आ जाती है तो अब उसको किसी भी चीज की कामना नहीं रहती इवन मुक्ति की कामना भी नहीं होती भक्ति की कामना भी नहीं होती साक्षात्कार की कामना भी नहीं होती तो इसलिए अब वो मुमुखु नहीं रहा मोक्ष का मतलब होता है कि जो मोक्ष चाहे अब वो कुछ भी नहीं चाहता तो मोक्ष को भी नहीं चाहता जब मोक्ष को भी नहीं चाहता तो अब वो क्या साधन करे अब वो क्या आ, ध्यान में बैठे क्या एकाग्रता का एक अभ्यास करे क्या ध्यान का या समाधि का अभ्यास करे तो वो तो नहीं कर पाएगा करे करने की जरूरत ही नहीं होगी लेकिन उसका जीवन ऐसा होगा कि वो लगातार ध्यान में ही रहेगा एक संत हुए हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में से 23 घंटे और उनसठ मिनट आप ध्यान करें भगवान का ध्यान आपके मन में रहे भजन चले और एक मिनट के लिए छूट जाए तो उसको भजन नहीं कहते अगर 23 घंटे और उनसठ मिनट 59 नाइन मिनट्स आपका भजन चलता रहे जब चलता रहे नाम का ध्यान चलता रहे लेकिन एक मिनट भी छूट जाए तो उसको भजन नहीं कहते भजन उसको कहते हैं कि 24 घंटे जो छूटे ही ना जब जिसका भजन छूटेगा ही नहीं तो उसको भजन करना क्या पड़ेगा बताइए जो 24 घंटे एक ही ध्यान में एक ही उसके उसके चित्त की वृत्तियां कहाँ जाएंगी कहीं भी नहीं जाएंगी तो उसको चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा कुछ इसी भाव को इसी श्लोक में अगले श्लोक में कहा गया श्लोक नंबर फोर्टी सेवन न मुक्ति मुक्तिकारिका, न मुक्ति कारिकांधत्ते निशंको युक्त मानस पशन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन यथा सुखम न मुक्तिकारा न मुक्ति कारिका धत्ते निशंक श्रवन स्प्रन जिघ्रन अश्न आस्ते यथा इसको तोड़ के इस तरह से पदच्छेद करके पढ़ेंगे इस व्यक्ति को कहा गया निशंक निशंक शंका रहित का मतलब डाउट खत्म हो गए क्वेश्चंस खत्म हो गए क्वेश्चंस कहां उठ रहे थे शंका कहां उठ रही थी आप सोच के देखिए शंका उठ रही थी मन में अब मन तो शांत हो गया मन के तो वो पार चला गया ये व्यक्ति मन की सीमा के तो पार चला गया जिस लेवल पे वो बैठा है उस लेवल पे मन की पहुंच तो नहीं है तो अब वहां शंकाएं कहाँ उठेंगी उठती रहे जहां उठती है उठती रहे उसको कोई वो शंकाएं परेशान नहीं करती तो वो व्यक्ति निशंक हो जाता है और उसको कहा गया युक्त मानसा, युक्त मानसाह का मतलब चौबीसों घंटे वो भगवान से जुड़ा हुआ या अपने अपने आत्मा से स्वयं से स्वयं स्वरूप से जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ का मतलब उसी में स्थित चौबीसों घंटे अगर तेईस घंटा उनसठ मिनट वो स्वरूप में है और एक घंटा शरीर में है तो फिर वो नहीं युक्त मानस कहलाएगा युक्त मानस वो कहलाएगा जो चौबीसों घंटे अपने आत्मा में है ऐसा ज्ञानी मुक्तिकारी काम मुक्तिकारी काम का मतलब मुक्ति करने वाली योग क्रियाएं जो होती है ना उनको अर्थात ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यादि ये जो योग की जो क्रियाएं हैं इनको कहा गया मुक्ति कार्यकाम मुक्ति के लिए की गई क्रियाएं न धत्ते उनको धारण नहीं करता अर्थात उसको धारण करने की जरूरत है। नहीं धारण नहीं करता मैं, वो नहीं अपना डाउट में नहीं आना चाहिए इससे कई बार क्या होता है कि इनके हम श्लोकों के अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं जब हम पढ़ते हैं कि ज्ञानी तो कुछ नहीं करता वो तो बस चुप होके बैठ जाता है ना कोई भजन करता है ना कोई साधन करता है तो हम जैसा साधक उसको देख के चुपचाप ही बैठ जाए ना कोई साधन करे ना कोई भजन करे तो फिर गड़बड़ हो जाती है फिर हम कहते हैं कि या तो ये सच है या वो सच है वास्तव में छोड़ता नहीं है ये छोट तो कोई बात नहीं। छोड़ना नहीं है इसमें थोड़ा सा फर्क है वो अपने अनुभव से आ जाता है कि छूटना और छोड़ना कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट होता है वो फिर धीरे धीरे अपने आप आ जाता है अपने हिसाब से अपना अपना जो नियम है वो छोड़ना नहीं लेकिन छूट जाए तो उसके पीछे भागना नहीं तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही गई कि न मुक्ति कार्य काम धत्ते निशंका युक्त शंका रहित हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला मनुष्य कभी मुक्ति की क्रियाएं जो योग चित योग वृत्ति योग जो योग की क्रियाएं हैं जो मुक्ति कार करने मुक्ति करने वाली उन क्रियाओं को धारण नहीं करता अर्थात तो उन क्रियाओं में नहीं जाता और वो क्या करता है वो सारे इंद्रियों की सब क्रियाएं करता रहता है देखिए पांच इंद्रिया यहाँ पे गिनाई गई हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध लेने वाली पांच इंद्रिया हमारी ज्ञानेन्द्रिया है उन पांचों ज्ञानेन्द्रियों का इनपुट लेता रहता है पश्यन मतलब देखता हुआ ये हो गया हमारी नेत्र का है ना दर्शन इंद्रिय जो नेत्र है उसका एक विषय हो गया मतलब मतलब सुनता हुआ, सुनता हुआ हुआ मतलब ये हमारी कर्ण इंद्रिय का विषय हो गया स्प्रशन मतलब छूता हुआ ये स्पर्श इंद्रिय का विषय हो गया जिग्रन मतलब खाता हुआ रस लेता हुआ ये हमारी रसना इंद्रिय का हो गया और जेग्रण मतलब सोंगता सॉरी जेग्रण मतलब सोंगता हुआ अशनन मतलब खाता हुआ खाता हुआ का मतलब रस लेता हुआ तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों में विचरण करता हुआ भी आस्ते यथा सुखम यथा सुखम आनंद से बैठा रहता है आनंद से स्थित रहता है यानी इंद्रियों की सब क्रियाएं चलती रहती हैं लेकिन वो सुख से बैठा रहता है क्योंकि अब उन इंद्रियों में उसका कोई आकर्षण नहीं है अब इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों से उसका कोई द्वेष नहीं है।, है ना जो बिगनर होता है वो इन विषयों में दोष दृष्टि करके इनका वैराग्य इनसे वैराग्य करने की कोशिश करता है कि इनमें ये नुकसान है तो इसको छोड़ देना चाहिए लेकिन जो ये सिद्ध महापुरुष की बात हो रही है उसको उनसे द्वेश भी नहीं है राग भी नहीं है अर्थात उसमें कोई आकर्षण भी नहीं है तो इस प्रकार से वो पांचों इंद्रियों के सभी विषयों का सेवन करता हुआ यथा सुखम आस्ते यथा सुख आनंद पूर्वक स्थित रहता है ये वो मस्ती की अवस्था है जिसमें बस उसको यही ध्यान देता है कि मैं कुछ नहीं करता नैव न करो मीति युक्तो मन तत्वित ये श्लोक इन श्लोकों के साथ बार बार आ जाएगा विसृजन गृहणन अन्निशन शी इंद्रिया इंद्रियार्थेश धार्य सभी इंद्रियों की सभी क्रियाएं करता हुआ भी वो कभी उनके साथ अटैच नहीं होता वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुल नैवाचार मनाचार मोदा प्रपश्यति। उसी चीज को आगे फिर और क्लियर कर दिया कि ऐसा सिद्ध महापुरुष क्या है वस्तु श्रवण मात्रेण तत्व को सुनते ही तत्व का श्रवण मात्र से तत्व के श्रवण मात्र से श्रवण मात्र से शुद्ध बुद्धि निराकुला है, मतलब मतलब जिसको कोई आकुलता नहीं है अर्थात स्वस्थ चित्त है बिल्कुल शांत है व्याकुलता नहीं है शुद्ध बुद्धि निराकुल ऐसा व्यक्ति तत्व के श्रवण मात्र से तत्व को सुन के इतना आनंदित हो जाता है कि फिर उसके लिए नैवाचार मनाचारम औदास्यम व प्रपश्यति वो इन क्रियाओं में क्या आचार है क्या अनाचार है क्या उदासीनता है उन सबका साक्षी हो जाता है न तो आचार को देखता है ना अनाचार को देखता है ना उदासीनता को देखता है वो किसी के साथ भी आकृष्ट नहीं होता है, किसी के साथ भी अटैच नहीं होता तो यहाँ डाउट आ जाता है एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब आचार अनाचार का ध्यान ही नहीं रखता तो फिर उसके से उससे तो बहुत गलत क्रियाएं हो जाती होंगी वास्तविकता यह है कि जो इस अवस्था में पहुंच गया उससे कोई गलत क्रिया हो ही नहीं पाती उसकी इंद्रियों से कोई गलत क्रिया हो ही नहीं पाती अगर कहीं गलत कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कोई उसको अभी परिपक्वता नहीं थी और वो इस अवस्था को इमिटेट कर रहा है इस अवस्था अभी आ, बेसिकली क्या होता है, क्या है कि अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझने लगते हैं जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझने लगे कि मुझे तो अब तत्व ज्ञान हो गया मुझे तो अब सब समझ में आ गई समझ में आ गई अब मैं चाहे जो मर्जी करूं जो मर्जी करूं करके वो ऐसे कार्य करने लगे अपनी कुछ अतृप्त वासनाओं को पूरा करने के लिए पापों में लिप्त होने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है इसका मतलब यह कि अगर कोई गलत क्रिया हो रही है तो वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप से कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो गया एक मैंने एक कथा पढ़ी थी छोटी सी उसमें क्या था कि एक कोई गंगा जी के किनारे कोई सन्यासी बैठा था उसको एक स्ट्रे डॉग कोई गली का कुत्ता जो होता है वो परेशान कर रहा था बार बार आ रहा था तो उसने एक दो बार भगाया तो नहीं भागा तो वो डंडा लेके उसके पीछे भागा बड़ी जोर से उसे डंडा मारा तो पीछे से एक और महात्मा आ रहे थे कि उन्होंने आके उसकी गर्दन पकड़ ली बोले कि तूने सन्यास लेने में थोड़ी जल्दी कर दी अगर तुम सन्यासी के वेश में आ गए हो तो तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो अगर कुछ कर रहे हो तो इसका मतलब तुमने सन्यास लेने में जल्दी कर दी तो यहां वो है कि वो आचार अनाचार और उदासीनता इन तीनों भावों का साक्षी बना रहता है और अपनी मस्ती में मस्त रहता है तो इसका मतलब क्या वो करता कुछ नहीं नहीं कहते हैं, करता है करता क्या है कि जो प्रारब्धवश उसके शरीर से जो क्रियाएं करनी होती हैं वो सब करता रहता है यदा य तुम आयाती तदा तत्कुरु तेरी ऋजुह शुभम वाप्य शुभम वापी तस्य चेष्टा ही बालवत कहते हैं कि उसकी सारी चेष्टाएं ऐसे होती हैं जैसे बच्चों की बालवत चेष्टा बालवत मतलब बच्चों की तरह से अब बच्चा आके अपनी मम्मी को थप्पड़ मार दे तो मम्मी नाराज नहीं होती क्यों बच्चा है और आके प्यार करने लगे तो भी कुछ नहीं कहती ठीक है खुश होती है थप्पड़ मारने से भी खुश होती है प्यार करने से भी खुश होती है क्योंकि वो बच्चा है यहाँ पे कहते हैं इस योगी की इस महापुरुष की चेष्टाएं बालवत हो जाती हैं कैसे कि जिस प्रकार जो कुछ प्रारब्धवश उसको करने के लिए आ जाता है वो उसको कर देता है यदा यत जब जो कर्तुम आयाति करने के लिए क्रिया कोई कर्म आ जाता है तदा तत्ते रिजु तब उसको वो कर देता है रिजु मतलब सरल व्यक्ति वो इतना सरल है बालू बच्चे बच्चे की तरह इतना सरल है कि जो करने को आ गया उसने कर दिया वो शुभ है कि अशुभ है वो उसका विचार ही नहीं कर रहा शुभम व अपि अशुभम व अपि चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो क्योंकि उसकी चेष्टा बालवत होती है अच्छा इसमें क्या होता है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के महापुरुष की जो क्रियाएं हैं वो कभी कभी समाज में बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देती है अंदर से किसका क्या भाव है ये कोई बाहर से पता पता नहीं चल सकता किसी को अंदर से किसका क्या भाव है अंदर से कोई बिल्कुल अपने सरल भाव से कुछ क्रिया कर रहा है और बाहर के नजर में वो गलत हो गई है तो बेसिकली इस प्रकार के क्रियाओं को कौन जान सकता है जो उस अवस्था में पहुंचा है वही जान सकता है तो फिर लोक संग्रह का क्या होगा कहते हैं कि लोक संग्रह का मतलब होता है कि भी लोगों के लिए वो कैसा आदर्श उपस्थित कर रहा है कहते हैं कि वो जनरल लोगों के लिए कोई आदर्श उपस्थित नहीं कर रहा उसका जो उसकी जो चेष्टाएं हैं वो उसकी कैटेगरी के, के लोगों के लिए लोक संग्रह जो उस अवस्था में पहुंचे हुए लोग हैं उनके लिए वो लोक संग्रह कि किस तरह से अपनी मस्ती में रहा जाता है तो वो उस तरह से अपनी मस्ती में रहता है गीता जी में आया एक श्लोक अठारहवे अध्याय में, में यस्य ना कृतो भावो बुद्धि न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हंति न निबध्यते कृतः भाव जिसका अहंकृत भाव नहीं है जिसके अंदर कर्तापन नहीं है कि मैं करता हूं अहंकृत मैंने किया जिसके अंदर यह ऐसा भाव नहीं है अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्यते ना लिप्यते अर्थात जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती आसक्त नहीं होती तो वो चाहे सारी दुनिया को भी मार डाले उसको कोई पाप नहीं होता हत्या पिसो ईमान लोकान इस पूरे लोक को भी मार दे तो भी ना हंती ना निबद्धते ना उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलेगा ना वो बंदर में आएगा ये अंदर के भावों का वर्णन बेसिकली अंदर के अंदर का वातावरण ऐसे महापुरुष का कैसा होता है उसका वर्णन है हमें इसलिए भी समझ में नहीं आता है क्योंकि हम अभी बाहर की दुनिया से ज्यादा अटैच्ड है आप इस चीज को बिल्कुल सत्य समझ लीजिएगा कि हमें अगर इस बारे में प्रश्न उठते रहते हैं अगर हमारे बारे में हमें इस बारे में ऐसी बातें आती हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा क्यों हो गया तो इसका मतलब यह कि हम अभी बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया से अटैच हैं जब बाहर की दुनिया से ज्यादा अटैच है तो हम अंदर के वातावरण को अंदर के जगत को समझ नहीं पाएंगे पहचान नहीं पाएंगे वो योगी क्या कर रहा है उसकी बात समझ में नहीं आएगी उसको समझने के लिए वैसा ही होना पड़ेगा और एक बहुत सुंदर श्लोक आ गया सूत्र नंबर पचास स्वातंत्र्या आपनोति स्वातंत्र्यात लभते परम स्वातंत्र्यात निर्वितिम गच्छे स्वातंत्र्यात परमं पदं स्वातंत्र्यात मतलब स्वतंत्रता से अर्थात स्वाधीनता से देखिए दो तत्व तो होते हैं एक होता है स्व एक होता है पर स्व का मतलब होता है स्वयं और पर का मतलब होता है पराया यानी स्व मतलब खुद पर मतलब दूसरा अगर हम अपने ही अधीन हैं तो हम स्वाधीन कहलाते हैं स्वतंत्र कहलाते हैं और अगर हम पर के अधीन है तो पराधीन कहलाते हैं अर्थात परतंत्र कहलाते हैं जो अपने स्वरूप में जागृत महापुरुष है वो स्वतंत्र है वो अपनी आत्मा से गवर्न हो रहा है अपने स्वयं से ही गवर्न हो रहा है और उसको बाहर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा वास्तव में अगर आप ध्यान दें तो हम अपने आप को जिन चीजों का स्वामी कहते हैं कि हम इस चीज के स्वामी हैं ये हमारे कंट्रोल हमारे अधीन वास्तव में सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो हम अपने आप को स्वामी कहते हुए भी उसके पराधीन हो जाते हैं अगर हम स्वयं को धन का स्वामी कहते हैं तो हम धन के अधीन हो जाते हैं क्योंकि जब धन नहीं रहता मान लीजिए खो जाता है नुकसान हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं आ जाता है तो सुखी हो जाते हैं अपने सुख और दुख अपने मन की मन का कंट्रोल हमने धन को दिया हुआ है क्योंकि वही हमें सुखी करता है वही हमें दुखी कर देता है उसका आना सुखी करता है जाना दुखी करता है इस तरह संसार की हर चीज के बारे में आप सोच सकते हैं कि अगर आप संसार का संसार की किसी भी चीज का स्वामी बनना चाहते हैं तो वास्तव में आप उसके गुलाम बन जाते हैं उसके दास बन जाते हैं एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं कि एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक किसान गाय को गले में रस्सी बांध के ले जा रहा है उन्होंने शिष्य से कहा कि तुम बता सकते हो कि इसमें से मालिक कौन है और सेवक या दास कौन है गुलाम कौन है तो शिष्य बोला कि महाराज जिसने रस्सी पकड़ी हुई है वो स्वामी है और जिसके गले में रस्सी पड़ी है वो परतंत्र है वो गुलाम है अर्थात गाय गुलाम है और वो व्यक्ति स्वाधीन है मालिक है उन्होंने कहा अच्छा आप एक एक्सपेरिमेंट करो आप जाके चुपके से इसकी रस्सी काट दो वो गया उसने जाके रस्सी काटी और गाय तो भाग पड़ी जैसे गाय भागी तो किसान शोर मचाता हुआ उसके पीछे पीछे भागा बोले कि अब बताओ कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है जो अपनी मर्जी से भागा जा रहा है वो स्वतंत्र है या जो उसके पीछे पीछे उसके कारण भागा जा रहा है वो स्वतंत्र है थोड़ा सा एक सूक्ष्म फर्क है उसी तरह से इस संसार में जितनी भी चीजें हैं हम उनके पराधीन हो जाते हैं या दूसरे शब्दों में कहें कि स्वतंत्र और परतंत्र कौन है जो संसार के साथ अटैच है वो परतंत्र है और जो स्वयं में ही तृप्त स्वयं में ही संतुष्ट स्वयं में ही निर्लिप्त है है ना आत्मनेव संतुष्ट है तसे तस कार्यम न विद्यते आत, आत्मा में ही संतुष्ट है जो आत्मा में ही तृप्त है आत्मा में ही प्रसन्न है तो ऐसा व्यक्ति स्वाधीन है स्वतंत्र है इस स्वतंत्रता से सुखम आपनौती स्वातंत्रनोती स्वतंत्रता से सुख मिलता है सुख का मतलब यहां आप आनंद लगाइए आनंद मिलता है और स्वातंत्र लभते परम और स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है परम पद मतलब जो सबसे परे है जो सबसे परे है यानी बियॉन्ड एवरीथिंग बियॉन्ड एवरीथिंग वो परम तत्व उस परम तत्व की प्राप्ति स्वतंत्रता से मिलती है अपने ही स्वरूप में जागृत होने से मिलती है और स्वतंत्रयात याति निर्वृत्तिम निर्वृत्तिम निर्वृत्ति का मतलब होता है जिसमें वृत्तियां समाप्त हो जाएं, अर्थात शांति जब वृत्तियां समाप्त हो गई तो शांति हो गई तो स्वतंत्रता से ही शांति मिलती है और स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है परम की प्राप्ति भी इससे होती है परम पद की प्राप्ति भी होती है और शांति की प्राप्ति भी इससे होती है और स्वतंत्रता से ही सुख भी प्राप्त होता है ये बातें कि मैं स्वाधीन हूं मैं स्वतंत्र हूं मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया हूं ये बातें केवल कहने से नहीं होती प्रैक्टिकल से होती है। एक श्लोक हमारे शास्त्रों में आता है पठका पाठ चैव ये चान्य शास्त्र चिंतया कुछ पढ़ने वाले कुछ पढ़ाने वाले कुछ शास्त्र का चिंतन करने वाले सर्वे ते व्यसिनो मूढ़ा कहते हैं वो सारे व्यसनी हैं ये भी एक एडिक्शन है यह भी एक एडिक्शन है इस तरह की, ये इन की बात करना इसको डिस्कस करना, लेकिन अपने प्रैक्टिकल में ना उतारना तो कहते हैं कि यह सपंडत विद्वान कौन कहलाएगा पंडित कौन कहलाएगा जो इसको प्रैक्टिकल में उतारेगा ये बात मैं कितनी बार कहता हूं और ये उदाहरण भी न जाने कितनी बार देता हूं कि जो सत्संग में हम बैठे अच्छी बात लेकिन सत्संग हमारे में बैठा कि नहीं बैठा अर्थात हमने उस सत्संग को आचरण में उतारा कि नहीं उतारा ये जरूरी बात एक तोते की कथा आपने सुनी होगी मैं कई बार सुनाता हूं एक व्यक्ति के पास एक बोलने वाला तोता था वो तोता अच्छा वो व्यक्ति सत्संगी था सत्संग सुनने जाया करता था तो एक कोई बहुत अच्छे महात्मा जी आए हुए थे एक दिन तोते ने उस व्यक्ति से प्रार्थना की कि आप मेरे लिए भी कुछ मेरे कल्याण के लिए भी कुछ महात्मा जी से पूछ के आना मैं क्या करूं अब प्रश्न तो बड़ा विचित्र सा था कि तोते का प्रश्न है कि वो अपने कल्याण के लिए क्या करे लेकिन क्योंकि तोते के साथ उसकी दोस्ती थी बोलता भी था बातें भी करता था तो उस दिन वह प्रवचन के बाद थोड़ी देर तक बैठ गया जब सब लोग मिलके चले गए तो वो उसने एकांत में जाके महात्मा जी से प्रश्न पूछा कि मेरा तोता कहता है कि मैं क्या करूं सुनते ही महात्मा जी बेहोश हो गए और गिर पड़े तो सात चारों तरफ से उनके शिष्य वगैरह भाग के आए कोई हाथ पैर मल रहा था कोई कुछ कर रहा था कोई पानी मुंह में डाल रहा था और सब लोग इस व्यक्ति को नाराज हो रहे थे कि तुमने ऐसा क्या प्रश्न पूछ लिया ऐसा प्रश्न क्यों पूछ लिया जिससे महात्मा जी को इतना कष्ट हुआ लेकिन वो बेचारा क्या कहता चुपचाप वापिस आ गया थोड़ी देर में महात्मा जी होश में आ गए वापिस आया तो उसने तोते को आके पहले तो गुस्सा किया तो उसने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा प्रश्न पूछ लिया कि ऐसे ऐसे हो गया मैंने तो जैसे ही पूछा महात्मा जी बेहोश हो गए तो सुनते ही तोता बेहोश हो गया और एकदम पिंजरे में वो गर्दन लुड़का के गिर गया अब व्यक्ति और ज्यादा घबराया उसने फटाफट पिंजरा खोल के तोते को हाथ में रखा और उसे सहलाने लगा जैसे सहलाने लगा तो तोता ने आंखें खोली और फुर से उड़ गया उसने उस सत्संग का हिंट पकड़ लिया कि मुझे क्या करना है अपने कल्याण के लिए तो ये जो चीजें जो ये थ्योरिटिकल बातें बताई जा रही केवल थ्योरिटिकल डिस्कशन के लिए नहीं है जैसे कल मैंने निवेदन किया था कि इन सब को इन सारे श्लोकों को एक्चुअली फेल करना है सबको महसूस करना है इनका अनुभव करते चलना है, क्योंकि ये बाहर से हमारी क्रियाओं को नहीं बदलते और जो बदलते हैं तो उनसे कंफ्यूजन होता है ये अंदर के भावों को बदलती हैं ये सारी चीजें तो अंदर के भाव अगर हमारे इस तरह से उदासीनता वाले आ जाते हैं तो सबके साक्षी में आप जागृत हो जाते हैं फिर आपके सामने भाव अभाव सत असत ये सारी की सारी कल्पनाएं झूठी हो जाती हैं। संसार मिथ्या हो जाता है संसार दिखाई देता व भी नहीं दिखाई देता इनको अपने आचरण में उतारने की कोशिश करेंगे केवल कहने से नहीं होता स्वयं से पूर्ण निश्चय करना होता है नहीं तो फिर वही हो जाता है मिथ्याचार हो जाता है फिर मिथ्याचार से फिर आप गलत काम करने लगते हैं तो यहाँ स्वतंत्रता की बात की गई उसके बाद अब श्लोक नंबर इक्यावन अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वात्मनो मन्यते यदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताश्चित वृत्त जो मनुष्य अपने अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व को स्व आत्मन मन्यते जो मनुष्य अपने आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है मानता है क्या मतलब विश्वास करता है उसको दृढ़ता से मान चुका है कि मैं करता नहीं हूँ मैं भोक्ता नहीं हूँ मैं आत्मस्वरूप हूं जितनी भी क्रियाएं हैं वो प्रकृति में हो रही हैं प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं विषयों के जो विषय जो है अपनी इंद्रिया जो है अपनी इंद्रियों में बरत रही है ये सारा जो कुछ हो रहा है ये हो रहा है मैं कर नहीं रहा जो इस भाव में आ जाते हैं तो तो क्या होता है तदा क्षीणा भवंती समझता है चित्त वृत्तिया तब उसकी सारी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं। चित्त के वृत्तियां क्षीण हो जाने का मतलब यह है कि वो अपने अंतकरण के पार चला जाता है पार चला जाता है जब मैं शब्द कहता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का संबंध अपने अंतकरण से नहीं रहता मन से बुद्धि से चित्त से अहंकार से उसका कोई संबंध नहीं रहता वो मन का भी साक्षी हो जाता है बुद्धि का भी साक्षी हो जाता है चित्त का भी साक्षी हो जाता है अहंकार का भी साक्षी हो जाता है और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्वरूप से अलग है तो जब इन सभी चीजों का साक्षी हो जाता है तो चित्त के वृत्तियां ये वृत्तियां कहाँ उठेंगी वृत्तियां तो चित्त में उठेंगी चित्त से अब उसका कोई संबंध नहीं रहा तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें चित उसमें कुछ वृत्तियां उठें उसमें कुछ संकल्प विकल्प उठे कुछ विचार उठे कुछ भाव उठे Hence, उसके अंदर कोई विचार कोई भाव कोई संकल्प कोई विकल्प कुछ होता ही नहीं इनफैक्ट वो बिल्कुल अपने मस्ती में केवल आनंद के सागर में डूबा ही रहता है हमेशा डूबा ही रहता है बस शरीर में जो क्रियाएं हैं वो होती रहती है वो उनको देखता रहता है शरीर की क्रियाएं होती रहती हैं और उनको देखता रहता है आसपास क्रियाएं होती रहती हैं उनको देखता रहता है निर्विकार उदासीन तो कहते हैं यदा मन्यते। जब महापुरुष अपने आप अपने आत्मा को अकर्ता और अभोक्ता मान लेता है तदा क्षीणा भवंती समस्ता चित्तवृत्तिया तब उसकी सारी चित्त की वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं अच्छा चित्त की वृत्तियाँ स्ट्रॉन्ग कब होती हैं जब आप उनको कुछ न्यूट्रिशन देते हैं ना कोई भी कमजोर कब होगा जब उसको पोषण नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग कब होगा जब उसको पोषण मिलेगा तो मन की वृत्तियों को मन के विचारों को पोषण कब मिलता है जब आप उनसे फाइट करते हैं आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए जब हम अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने के लिए उनके साथ फाइट करते हैं लड़ते हैं तो उनको पोषण मिलता है वो स्ट्रांग हो जाते हैं और जब आप उनकी तरफ से उदासीन हो जाते हैं जब उनकी तरफ से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं उनके केवल साक्षी मात्र होकर उनको देखते रहते हैं तो वो शांत हो जाते हैं शरारत करने वाले बच्चे को अगर केवल माँ ब्लैंक लुक देके चुपचाप खड़े होके देखती रहती है तो वो चुप होके एकदम दुबक के वापस आ जाता है उसको लगता है कि मेरे से गड़बड़ हो गई उसी तरह से जब मन की वृत्तियों को जब चित्त की वृत्तियों को संकल्प विकल्पों को आप केवल ऑब्जर्व करने लगते हैं उनमें अच्छा और बुरा का लेबल लगाना बंद कर देते हैं कौन से भाव आए कौन से आने चाहिए कौन से नहीं आए जिनको आना चाहिए था इस तरह की जो भावनाएं हैं उन सब से शांत होकर के वो केवल अपने ध्यान में उनको देखता रहता है वृत्तियां उठती हैं देखता रहता है वृत्तियां उठती हैं देखता रहता है क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला कोई नहीं है तो उनको ताकत मिलनी बंद हो जाती है जब उनको ताकत मिलनी बंद हो जाती है तो समस्ता चित्र वृत्तियां क्षीणा बवंती सारी चित्र वृत्तियां क्षीण कमजोर हो जाती कमजोर हो जाने का मतलब चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है श्लोक नंबर 53। थ्री विलसंती महाभोगी विशंति गिरी निरस्त कल्पना धीरा अब यह भी बहुत अच्छा श्लोक है कि कल्पना रहित है ना निरस्त कल्पना जिसकी सारी कल्पनाएं निरस्त हो गई कल्पनाएं निरस्त हो जाने का मतलब सारे संकल्प विकल्प सारे विचार निरस्त हो गए और मुक्त बुद्ध मुक्त बुद्धि वाला अबद्धाह बंधन मुक्त यानी बुद्धि मुक्त बुद्धि हो गई और वो खुद बंधन से मुक्त हो गया कल्पना रहित हो गया ऐसा धीर पुरुष कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े भोगों में क्रीड़ा करने लगता है और कभी कभी पर्वत के कंदराओं में प्रवेश कर जाते हैं देखिए विलसंती महाभोगेर, महाभोगों में बहुत बड़े बड़े भोगों में विलसंती यानी उनका सेवन करते हैं विलास करते हैं और विशंति गिरी घबरा पहाड़ की कंदराओं में कभी प्रवेश कर जाते हैं कहने का अर्थ है कि कभी तो वो ध्यान की गहराई में चले जाते हैं और कभी संसारिक कार्यों में लग जाते हैं आप इसको इस भाव से सोचिए कि संसार के कार्यों में लग जाना या ध्यान में लग जाना ये उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक क्रियाएं हो जाती हैं इनमें उनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कभी वो आपको सांसारिक क्रियाओं में लगे दिखाई देंगे कभी ध्यान में बैठे दिखाई देंगे लेकिन अंदर अंदर की अंदर का जो वातावरण है अंदर का जो एटमोस्फेर है वो क्या है निरस्त कल्पना मुक्त बुद्धि बद और अबद्धा बिल्कुल बंधन मुक्त है उसको कोई अच्छे बुरे का विचार नहीं है उसके अंदर कोई कर, करतापन भोक्तापन नहीं है उसके लिए कोई पाप पुण्य भी नहीं है क्योंकि जब अकर्तापन से कोई भी क्रिया की जाती है कि मैं नहीं करता इस भाव से की जाती है तो उसमें फिर पाप और पुण्य नहीं होता गीता जी में तो कई जगह इस बात को बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझाया गया अनिष्टमिष्टम इष्टम चा है ना जो अनिष्ट इष्ट और मिश्र मिश्रम चा ये तीन प्रकार के जो फल होते हैं कि जो चाहा वो जो नहीं चाहा वो यानी शुभ अशुभ और विश्रित तीन प्रकार के कर्म उन लोगों के लिए होते हैं जो त्यागी नहीं होते हैं, जो कर्म फल का त्याग नहीं करते कर्म फल से आसक्त रहते हैं और जो अनासक्त रहते हैं जो त्यागी होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता ना उनके लिए अच्छा फल होता है ना बुरा होता है ना उनके लिए मिश्रित होता है तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो कल्पना रहित हैं, धीर हैं, मुक्त बुद्धि हैं और अबद्ध हैं अर्थात बंधन मुक्त हैं, वो उनकी बुद्धि भी बंधन से मुक्त है धीर पुरुष हैं, यानी ज्ञानी पुरुष हैं और कल्पना रहित हैं निसंकल्प है निर्विकल्प है ऐसे व्यक्ति फिर कभी ध्यान में जाए कभी क्रियाओं में जाए उनके लिए दोनों चीजें बराबर श्लोक नंबर 54 और संसारिक रूप से देखिए कैसे होते हैं ये तो अंदर की बात थी संसारिक रूप से कहते हैं कि श्रोत्रियम देवताम तीर्थम अंगनाम भूपतिम प्रियम दृष्टा संपूज्य धीर से न का हृदय वासना छह चीजें बताई गई श्रोत्रियम देवताम तीर्थम अंगनाम भूपतिम और प्रियम श्रोत्रिय मतलब श्रोतियों को जानने वाला विद्वान महापुरुष कोई विद्वान हो श्रोत्रिय और देवता देवता मतलब देवता या तीर्थ ये तीनों जो चीजें हैं ये कैसी पूजनीय होती हैं, है ना जो श्रोत्रिय महापुरुष हैं उनको पूजन उनका पूजन होता है देवता होते हैं उनका पूजन होता है और जो तीर्थ स्थान है वहां पूजन होता है तो कहते हैं संपूज्य इन सबको पूजन करके इन सबका पूजन करके भी उसके मन में कोई भाव नहीं जगता और अंगनाम भूपतिम और प्रियम अंगनाम मतलब स्त्री को देख के अंगनाम मतलब स्त्री भूपति मतलब राजा को देख के राजा को देख के ना उसको कोई भय होता है ना कोई लालच होता है ना कोई उसका कोई उसके प्रति आकर्षण होता है स्त्री को देख के ना उसके प्रति आकर्षण होता है ना विकर्षण होता है और प्रिय कोई चीज प्रिय लगने वाली है कोई प्रिय वस्तु है प्रिय व्यक्ति है तो उसको देख के भी उसके अंदर कोई वासना नहीं उठती तो यहाँ दो शब्द कहे दृष्टा और इन तीन को देखकर और इन तीन को पूज कर तीन चीजें पूजनीय हैं, तीन चीजें देखने से भाव जगते हैं तो उन्होंने कहा कि इन तीनों के देखने से भी कोई उसके भाव अंदर नहीं जगता और इन तीनों का पूजन करने से भी उसके अंदर कोई हृदय में वासना नहीं उठती न अपी हृदय वासना उसके हृदय में कोई भी वासना नहीं होती कोई भी वासना मतलब कोई भी कामना नहीं होती कोई भी विकार नहीं होता कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती कि अगर तीर्थ पे चले गए तो पूजा कर दी कोई विद्वान महापुरुष आ गया तो पूजा कर दी है, और देवता की पूजा कर दी पूजन कर दिया सत्कार कर दिया बस यहाँ तक उसके बाद इनसे कुछ चाहिए इनसे इनसे कुछ मिलेगा इस भाव इस भाव में वो नहीं जाते और ऐसी चीजें जो हमें आकर्षित करें या हमें रिट्रैक्ट करें हमें विकर्षण हो या आकर्षण हो तो ऐसी चीजों को देखकर भी उसके अंदर ना तो आकर्षण होता है ना उसके अंदर कोई विकर्षण होता है मृत्यै पुत्रे कलस्त्रैश्च दोहित्रेश्चापि गोत्रजैः विहस्य दिक्कृतो योगी नयाति विकृतिमनाः बहुत सुंदर है सारे श्लोक कितने सुंदर हैं आप कल्पना करते चलिए और ये सोचिए कि जिस महापुरुष की अवस्था होती होगी तो उसको अंदर से क्या लगता होगा इनफैक्ट कुछ भी नहीं लगता होगा है ना हमें देख के बहुत ऐसा लगता है कि बहुत आनंद होता होगा बहुत ऐसा उसको आनंद भी उसको आनंद भी नहीं होता तो मस्ती में रहता है वो उधर भी ध्यान नहीं देता कि मुझे ऐसा करने से आनंद मिलेगा ऐसा करने से सुख मिलेगा इसका भी कोई आकर्षण नहीं होता वृत्ययी मतलब नौकरों से सेवकों से सेवकों के द्वारा पुत्रयी पुत्रों के द्वारा कलत्रयी स्त्रियों से दुहेत्री यानी ना नाती पोतों से चा अपी गोत्रजयी गोत्रजय मतलब अपने गोत्र में उत्पन्न हुए लोगों से अर्थात अपने बंधु बांधवों से विहस्या विहस्या मजाक उड़ा के कोई अगर धिक्कार करे अपमान करे नौकर अपमान करे पुत्र अपमान करे पत्नी अपमान करे पोते नाती अपमान करें हंसे मजाक उड़ाएं या अपने बंधु बांधव हंसे और मजाक उड़ाएं तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इस योगी का न याती रत्ती भर भी थोड़ा सा भी विकृतिम न याती किसी थोड़ी सी भी विकृति को प्राप्त नहीं होता उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होता क्योंकि मान और अपमान ये हमारे शरीर से संबंधित है कोई अपमान करे कोई मान करे ये इस स्थूल शरीर का होगा जिसका असर सूक्ष्म शरीर पे होगा है शरीर तक ही सब कुछ असर उसका मन और बुद्धि तक होगा और कोई अपमान करे कोई विकार करे कोई तो होगा तो इस शरीर का स्थूल शरीर का शरीरों से जो ऊपर उठ गया है ऐसा महापुरुष इन सब क्रियाओं को केवल देखता है केवल देखता है बस उसको किंचित मात्र भी विकार नहीं होता एक रज्जब का दोहा होता था ना जब रोशना कीजिए कोई कहे क्यों जी तो हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी यूं ही ठीक है जो तुम कहते हो बिल्कुल ठीक ठीक है जी तो हर चीज को स्वीकार करता हर चीज को स्वीकार करता चला जाता है एक मैंने एक बार एक शेर पढ़ा था बड़ा सुंदर था वो कहते है कि लगता है आज वक्त हमसे खफा है कभी ऐसा कुछ समय आ गया तो एक शायर ने लिखा कि लगता है वक्त आज हमसे कुछ खफा है फिर दूसरी लाइन में लिखता है कि अरे जाने दीजिए कौन सा पहली दफा है <laughs> तो बिल्कुल इग्नोर करता है हर चीज को इग्नोर करता है हर परिस्थिति को इग्नोर करता चला जाता है क्योंकि अगर भक्त की भाषा में देखें तो इस संसार के नाराज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और संसार के प्रसन्न होने से हमें कोई प्रसन्न कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्रसन्न की मुहा परेण तो अप्रसन्न की मुहा परेण तो भगवान को कहा भक्त ने उसने कहा कि हे प्रभु आपके प्रसन्न होने से सारी दुनिया भी अप्रसन्न होती हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर आप प्रसन्न है और सारी दुनिया मुझसे अप्रसन्न है नाराज है तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन हे ठाकुर जी तो अप्रसन्न आपके अप्रसन्न होने से मुहा पर फिर सारा जगत भी प्रसन्न होके मेरा क्या कल्याण कर देगा अर्थात इस सारे जगत के प्रसन्न होने से या अप्रसन्न होने से मुझ आत्मा को मैं आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा बताइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी आप पूरे संसार को कभी प्रसन्न कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों दिमाग खपाना है कभी आज तक कोई प्रसन्न कर ही नहीं पाया सारे जगत को और भगवान है वो तो कभी अप्रसन्न होते ही नहीं वो तो सदा प्रसन्न ही प्रसन्न है वो कभी अप्रसन्न होते ही नहीं तो जीव क्या करे जीव केवल इतना करे कि एक तरफ जीव है एक तरफ जगत है और एक तरफ परमात्मा है जीव बीच में है एक तरफ जगत है एक तरफ परमात्मा है तो जीव जगत की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है बस उसको करना है कि वो परमात्मा की तरफ मुंह करे अपने आत्मा की तरफ अपने स्वरूप की तरफ फेस कर ले जगत से छत्तीस होके रह जाए और अपने आप से तिरसठ होके रह जाए जगते हुए छत्तीसगढ़ छत्तीस भय रामचरण छ तीन सिक्सटी थ्री और थर्टी सिक्स ऐसा रिलेशन बनाना है संसार से थर्टी सिक्स भगवान की तरफ सिक्सटी थ्री जब भगवान कहते हैं तो यहां पे अष्टावक्र जी की भाषा में आत्मा अपने स्वरूप की तरफ 63 कोई फर्क नहीं है जिस स्वरूप की बात हो रही है वही स्वरूप ही आत्मा है आत्मा की खोज क्या है आत्मा की खोज तो कुछ भी नहीं है आत्मा को कहाँ खोजना है केवल अपने अपने अंदर जागृत होना है तो वही आत्मा वही आत्मा है वही परमात्मा है उसी की खोज है और जो खोज शब्द ही गलत है वो तो नित्य प्राप्त है स्वतः सिद्ध है नित्य प्राप्त की क्या खोज नित्य प्राप्ति की कैसी प्राप्ति बस केवल प्रतीति को हटा दें तो प्राप्ति हो जाती है जगत की प्रतीति हो रही है जगत है नहीं उसकी प्रतीति हो रही है प्रतीति मतलब भ्रम हो रहा है इल्यूजन हो रहा है उस प्रतीति के मिटते ही प्राप्ति का अनुभव हो जाता है प्राप्ति हो जाती है नहीं प्राप्त तो है ही वो तत्व प्राप्त तो है ही उसकी प्राप्ति का अनुभव हो जाता है बस केवल यह कि फिर ऐसी अवस्था में मनुष्य बिल्कुल सम हो जाता है सम शत्रु च मित्र चथा मान में अपमान में शत्रु में मित्र में शीतोष्ण सुख दुखेशु सम भक्त के लक्षण पड़े ना बारहवीं अध्याय में तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनी संतुष्टो ये अनिकेतामान भक्त के भी ये लक्षण है समता वाले और गुणातीत ज्ञानी के भी ये लक्षण है चौदहवें अध्याय में, में शिंगीता जी में वहां भी लिखा गया समुख समाश्म दुख और तुल्य प्रिया प्रियो धीरसतुल्य निंदात्म संस्तुति ही। सब में बराबर एकदम तुल्य एकदम सम जो समता में स्थित है वही ब्रह्म में स्थित है क्योंकि समता ही ब्रह्म है निर्दोषम ही समम ब्रह्म निर्दोष और सम केवल ब्रह्म होता है तो जिस जो किसी में दोष दृष्टि नहीं रखता जिसमें कोई दोष रहता ही नहीं ऐसा व्यक्ति सम रहता है तो इसका मतलब वो ब्रह्म में ही रहता है इसका वो ब्रह्ममय हो जाता है ब्रह्मभूत हो जाता है संतुष्टोपि न संतुष्ट खिन्नोपी न चिद्यश्चाशर्यदशाद ताम ताम जानते वही बात जो मैं अभी कह रहा था कि ऐसा व्यक्ति बाहर से संतुष्ट दिखाई दे रहा है तो क्या कहेंगे कि संतुष्ट हो गया कहते हैं नहीं नहीं संतुष्ट होते हुए भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि जब हम कहते हैं कि उसे संतोष हो गया तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं असंतोष को एक्सेप्ट करें कि इस नाम की भी कोई चीज होती है उसके मन में उसके लिए संतोष और असंतोष नाम की कोई चीज होती नहीं वो एब्सोल्यूट रियलिटी में जागृत है उसके लिए रिलेटिव टर्म्स कुछ होते ही नहीं तो संतुष्टोपी न संतुष्ट और पे नाचा खिद्य देते तो क्या संतुष्ट नहीं है तो क्या खिन्न है खिन्न मतलब व्याकुल है दुखी है कहते नहीं खिन्न भी नहीं है क्योंकि खिन्न दिखाई देता हुआ भी वो खिन्न नहीं है दुखी होता हुआ भी दुखी नहीं है संतुष्ट होता हुआ भी संतुष्ट नहीं है उसकी ये आश्चर्यमयी दशा तस् आश्चर्य दशा तस ताम ताम तादा एव जानते उसके उस उस अवस्था को तादृशा वैसा ही कोई व्यक्ति होगा तो वही जानेगा बस वही जान सकता है तादृशा जानते उसके समान ही कोई हो गया तो वही जान पाएगा क्योंकि ये कोई बाहर से जज करने वाली चीजें नहीं है तो अंदर से कोई कैसा है उसको बाहर से कोई जज नहीं कर सकता तो इस जीवन मुक्त महापुरुष की इस अवस्था का वर्णन अभी और थोड़ा सा श्लोकों में आगे चलेगा इसी क्रम को फिर आगे लेते हुए हम अगले सेशंस में फिर दोबारा से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम दोबारा से आ पाए इसी भाव के साथ आज यहीं पर विराम देते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद राम यमित गुण सागर था कि पाव ही को सुनाय सोई बोलिए गीता गोपाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय राम